फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डिजाइनिंग नेक के साथ ब्राकेट ब्लाउज सिलाई करके दिखाऊंगी। यह ब्लाउज मैं 38 साइज के हिसाब से काट किया है। तो फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी भी चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। ये देखिए, बैक पार्ट में हम इस तरीके से डिजाइनिंग नेक काट किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, एक्स्ट्रा में नेक पुट्टी यहाँ पर नहीं लगाऊंगी। फैब्रिक और अस्तर को यहाँ पर देखिए एक साथ हम सिलाई कर लूँगी। देखिए, तो सबसे पहले देखिए, हमें मिडल बराबर एक सिलाई लगा लूँगी जैसे कि हम मिडल से अच्छे से मिला सके। चाहे तो आप इसमें अलग से नेक पुट्टी भी लगा सकते हैं बकरम के साथ। मैं यहाँ पर बिना बकरम के बैक साइड का नेक डिजाइन सिलाई कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ से मिडल बराबर सिला लूँगी। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए अभी हम सिलाई लगा लूँगी। तभी देखिए इसको हम छोटा छोटा काट लगाऊंगे। ये देखिए, हम सीधा साइड की तरफ से पलट लिया है और इसको यहाँ से इस तरह से हम निकाल लूँगी। कोई भी टेस्टर नहीं तो केसी का, यहाँ से इस तरह से हम यूज़ कर इसको निकाल लूँगी। उसके बाद देखिए, हम टाक सिलाई करूँगे। तो यहाँ पर देखिए, टाक्स के लिए मैंने थोड़ा सा निशाना देकर रखा है। और यहाँ से देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये निशाना के हिसाब से मैं फिर से थोड़ा सा नूस लगा रही हूँ। तभी देखिए, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर इस तरह से टू फोल्ड करेंगे। और टू फोल्ड में देखिए, हम हाफ इंच लेकर सिलाई करूँगे। और उठाना है तो आपको अपने हिसाब से उठाना है। यहाँ पर मैं यहाँ से 3 इंच तक उठाया है। ये देखिए, यहाँ से भी इस तरह से बराबर मिलाकर हाफ इंच लेकर सिलाई कर रही हूँ और उठाया है 3 इंच तक। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए नेक पुट्टी सिलाई करूँगी बैक साइड से। ये देखिए, और यहाँ से भी देखिए नेक को छोटा छोटा यहाँ से काट लगा लूँगी। काट लगाने के बाद देखिए, यहाँ पर फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाऊंगी नेक पुट्टी के साइड की तरफ से। उसके बाद देखिए, यहाँ पर नेक पुट्टी को इस तरह से फुल कर हम सिलाई लगा लूँगे। उल्टा साइड की तरफ से फुल करना है। तो देखिए, बैक पार्ट सिलाई कंप्लीट है। अभी हम फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। यहाँ पर देखिए, कतरी के पार्ट को इस तरह से मिला कर लूँगी और यहाँ से सिलाई लगा लूँगी दोनों कतरी को इसी तरीके से। डबल सिलाई लगाने के बाद हम साइड से एक पिको कर लूँगी, जैसे कि यहाँ से जो धागा निकल रहा है पिको करने से वो नहीं निकल पाएगा। तो उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर कातरी के लिए टैक्स लगाऊंगे। ये टैक्स में 1.5 इंच से थोड़ा सा कम रख रही हूँ। अगर आपको उस कातरी का शेप ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से 1.5 इंच, उससे ज़्यादा भी दे सकती है। तो ऊपर की तरफ से हमें 1/2 इंच और दूंगी। ये देखिए, दोनों कातरी को इसी तरीके से हम टैक्स लगा लूँगी। ये देखिए, दोनों कतरी को हम इस तरीके से सिलाई करके लिया है। अभी देखिए, फ्रंट साइड का आर्म होल का पार्ट सिलाई करूँगी और इसको देखिए हमें उल्टा साइड की तरफ से हम अस्तर को मिलाकर लिया है। और देखिए, सीधा साइड हम मिलाकर सिलाई करूँगी।
अमूल का पास सिलाई करने के बाद अभी देखिए हम युगपटी सिलाई करूँगी और यहाँ से लूँगी देखिए 1 इंच, यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 2.5 इंच। तो अभी इसको इस तरह से हम मिला लूँगी। तो मिलाने के बाद देखिए अभी हम युगपटी को 0.5 इंच जैसे हम अंदर की तरफ से इस तरह से फुल करूँगी। ये देखिए जहाँ पर हम निशाना लगाया है उसी का बराबर हम यहाँ से रखना है। तो इसको देखिए बहुत ध्यान में रखते हुए सिलाई करना है और यहाँ से देखिए बिल्कुल किनारे भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर रखकर सिलाई कर लेना है। यहाँ से देखिए 2 सूट नहीं तो 3 सूट का लगभग हम यहाँ पर और एक सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम काट कर लूँगी। ये देखिए सिलाई के लिए अभी दूसरा कतरी के साइड को भी इसी तरीके से हम सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए सिलाई बिल्कुल कंप्लीट है। अभी देखिए इसके लिए हमें हुक पट्टी सिलाई करूँगी। ये देखिए ये जिस साइड में हुक का घर बनाना है उसी साइड की तरफ से है, ये बड़ा साइज का हुक पट्टी है। फिर हुक पुटी के फिनिशिंग के लिए हुक पुटी के साइड की तरफ से और एक सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हम हुक पुटी को इस तरह से फुल करूँगी। ये देखिए तो अभी देखिए यहाँ से हम सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए 1/2 इंच का लगभग और एक सिलाई लगाऊंगी। ये मैं हुक का घर बनाने के लिए, जैसे कि हुक का घर इधर उधर ना हो तो इसलिए ये सिलाई करना जरूरी है, हुक का घर सीरियल बाई सीरियल रहे। तो ये देखिए सिलाई कर लिया है। अभी दूसरा साइड का हुक पोटी भी ठीक इसी तरीके से हम सिलाई कर लूँगी। ये देखिए सिलाई करने के बाद इस तरह से मिला कर देखूंगी। तो अभी देखिए नेक पोटी सिलाई कर लूँगी। नेक पोटी को देखिए मैंने सिलाई काट किया है और यहाँ से छोटा छोटा 2 प्लेट डालकर हम सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए नेक को हम छोटा छोटा काट लगाने के बाद यहाँ से फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा रही हूँ नेक पट्टी के साइड की तरफ से। और यहाँ पर देखिए नेक पट्टी में हमें उतना फैब्रिक नहीं रखूँगी, हम काट कर कम कर लूँगी। उसके बाद हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से मिला कर लूँगी और यहाँ से देखिए 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर हम सिलाई कर लूँगी। उसके बाद हम स्लिप ज्वाइन करूँगी। देखिए स्लिप को हम बिल्कुल मिडल से ज्वाइन करना है। यहाँ पर देखिए बराबर मिलाकर हम सिलाई कर लूँगी। स्लिप सिलाई करने के बाद साइड से हम पिको कर लूँगी। फिर देखिए हमें दोनों पार्ट को बराबर आकर यहाँ से साइड से सिलाई लगा लूँगी।
ये सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं, इसमें हम कमर पट्टी सिलने में आसान होगा तो हम बाद में इसको छोटा बड़ा करने में भी तकलीफ नहीं होगा। तभी देखिए यहाँ से दूसरा साइड का स्लिप को भी हम यहाँ से मिलाकर सिलाई कर लूँगी। उसके बाद देखिए हम यहाँ से योगपट्टी को इस तरीके से फोल्ड करूँगी और यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। मशीन का सिलाई को हम हाथ से तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हम खोल लूँगी। चाहे तो आप मशीन का सिलाई को रखना है तो रख भी सकते हैं, अब आप अपने पसंद के हिसाब से रखना है। तो ये देखिए, तभी देखिए हम यहाँ से 38 के हिसाब से हम सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए सिलाई कंप्लीट है तो हम हुक भी सिलाई कर लूँगी। ये देखिए, तो ये देखिए हुक सिलाई करने के बाद ये इस तरीके से आया है, तो मैं आप लोगों को इसका फिटिंग्स भी दिखा दूँगी। तो ये देखिए इसका फिटिंग्स किस तरीके से आया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। थैंक यू।